प्रिय विद्यार्थी, मैं सोनकी मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाला। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं। पाठ 14 पत्र जो इतिहास बन गए, जो पत्र विधा से लिया गया है, जिसके लेखक महात्मा गांधी। लेखक परिचय मैं आपको समझा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं पाठ का सारांश समझा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जो 20वीं सदी के महापुरुष कहे जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर के रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम कर्मचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। इनकी माँ बहुत धार्मिक विचारों की थी, जिनका प्रभाव इनके बेटे पर पड़ा। ये सत्यनिष्ठा के पुजारी कहे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। इनका कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया। ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और ये भारत 1915 में आ गए। उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। इन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा की, नमक कानून को तोड़ा। 1942 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को ये एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, उसी समय नाथुराम गोडसे ने इनको अपनी गोली का निशाना बनाया। इन्हें गोली लग गई। ये हे राम कहते हुए नीचे गिर पड़े और बापू हम सभी से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। इन्होंने 2 पुस्तिकाएं लिखी थी, सर्वोदय और हिंदुस्तान स्वराज, जिसका भारतीयों का गहरा प्रभाव पड़ा। ये सत्य निष्ठा के पुजारी थे, जिस कारण से सत्य निष्ठा के कारण पूरे भारतीय या सत्य निष्ठा को भारतीयों ने स्वीकार किया और सत्याग्रही आंदोलन चला करके इन्होंने देश को आजाद कराया। अब मैं आपको इनके द्वारा लिखा हुआ पत्र है, जो इन्होंने अपने बेटे के नाम पत्र लिखा है प्रिटोरिया जेल से, ये पत्र लिखा गया है प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 को। प्रिय पुत्र, मुझे प्रतिमास एक पत्र लिखने का अधिकार मिल गया है। मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा हूं। जब मैं पत्र लिखने बैठता हूँ तो मेरी नजर के सामने आता है मैं किसे पत्र लिखूं। जब मैं पत्र लिखने बैठा तो मुझे मिस्टर रीज, मिस्टर पोलक और तुम मेरे सामने आ गए। मैंने तुमको पत्र लिखना उचित समझा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ तुम अच्छी तरह से होंगे। तुम्हारे पत्र यहाँ पर आए पर मुझे बताए नहीं गए। डिप्टी गवर्नर की उदारता के कारण मुझे पता चला कि बाप का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, बा चलने फिरने लगी होगी। बा महात्मा गांधी की धर्म पत्नी को कहते थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके विषय में वो पूछ रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम सुबह के नाश्ता में दूध और साबुदाना अवश्य लेना। मैं समझ रहा हूं कि घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर रख दी है, जिससे तुम्हारी पढ़ाई से तुम असंतोष हो गए। पर सबसे ज्यादा सच्ची पढ़ाई तो तुम्हारी यही है, सच्ची शिक्षा तो तुम्हारी यही है जो तुम बाकी सेवा कर रहे हो। ये तुम्हारे चरित्र निर्माण की शिक्षा है।
और इसके साथ साथ तुम अपने दो छोटे भाई देवदास और रामदास को भी संभाल रहे हो। बेटा तुम्हें ये शिक्षा जो मिल रही है वह तुम्हें कर्तव्य बोध का ज्ञान कराएगी। अब आगे देखिए, अक्षर ज्ञान की जो शिक्षा है उसमें संस्कृत और गणित के विषय आते हैं, इनका तुम अच्छी तरह से ध्यान रखना। संस्कृत तुम्हें आगे चल के बहुत लाभदायक होगी। ये शिक्षा समय पर ही प्राप्त की जाती है, बड़ी उम्र में यह शिक्षा प्राप्त करने से कठिनाई होती है। अब मैं तुम्हें और भी पत्र में लिख रहा हूं, यह पत्र अब मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। तुम खेतों पर अवश्य जाना और वहां पर घास और गड्ढे खोदने पर ध्यान देना। मैं चाहता हूं कि अपने परिवार में मैं तुम्हें एक अच्छा किसान बनाऊं। शिक्षा के साथ साथ तुम्हें घर के काम पर भी ध्यान देना है। तुम जो खर्च करते होंगे उसका भी हिसाब तुम लिखते जाना। वो अपने बेटे को पत्र में लिखते हैं कि अमीरी से गरीबी बहुत अच्छी होती है। मैं जेल में रह करके मैं ये सब सीख रहा हूं, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं। जो सुख गरीबी में होता है वह सुख अमीरी में नहीं होता। हमें अमीर नहीं बनना है, हमें अपने जितना अपने पास है उसी से खर्च चलाना है। अब वो आगे अपने पुत्र के लिए लिखते हैं, मुझे आशा है तुम समय पर उठ जाते होंगे, तुम सूर्योदय के पहले प्रार्थना कर लेते होंगे, तुम रविवार को अपने बेटे के यहाँ जाकर के और प्रार्थना करते होंगे। समय पर की गई प्रार्थना ही अच्छी मानी गई है और प्रार्थना को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को यह सब लिखा। प्रार्थना करने में आलस्य भी नहीं करना है। अब मैं यही पत्र समाप्त कर रहा हूं। आप तुम इस पत्र का जवाब मुझे देना। पत्र भले ही कितना ही बड़ा या लंबा क्यों ना हो जाए पर सोच समझ करके ही पत्र लिखना। और वहां पर वो अपने बेटे के लिए लिख देते हैं बड़ी लाल और यहां अपने साइन कर देते हैं, तुम्हारा पिता मोहन दास गांधी। तो इन्होंने अपने पुत्र के लिए ये पत्र लिखा जेल में रहते हुए और सब कुछ बताया, घर का भार इन्हीं के ऊपर रख दिया। और शिक्षा से जो मणिलाल थोड़े असंतुष्ट थे उनको समझाया कि तुम्हारी शिक्षा तो ये सबसे बड़ी है, जो तुम बाकी सेवा कर रहे हो यही तुम्हें सच्ची शिक्षा और कर्तव्य बोध का ज्ञान करा रही है। घर के खर्च का भी उन्होंने ध्यान बटवाया और किसानी जो कृषि करते थे उस पर भी ध्यान दिया। अपने छोटे भाइयों को संभालने की भी बात कही और प्रार्थना की भी बात कही। तो बेटा ये जो गांधी जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा था वह मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।